यार कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इजी शिफ्ट वर्सेस हार्ड शिफ्ट, इनका एक अच्छा खासा रोल होता है आपके सिलेक्शन में। अभी रिसेंटली सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम हुआ है, आंसर की आई है और अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो क्रिएट होता है स्टूडेंट के स्कोर पर इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की वजह से। कितना क्या डिफरेंस क्रिएट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को किस तरीके से आपको टैकल करना है, क्योंकि कुछ जो एग्ज़ाम है आपका वो हो चुका है, 4 दिन का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, अभी कई शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो होना बाकी है। तो जिन बच्चों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट को किस तरीके से टैकल करना है, ठीक है, आप कैसे पहचानोगे कि आपकी शिफ्ट हार्ड है या इजी है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा कितना क्या डिफरेंस स्कोर में आप का रह जाता है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन एस्पिरेंट का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का कितना बड़ा रोल रहता है। अगर आपका पेपर हार्ड शिफ्ट में आता है और आप अच्छे तरीके से पेपर को जो है अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शंस के हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये आप मान के चलो कि हार्ड शिफ्ट वालों को इजी शिफ्ट की कंपेयर में ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनके मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो भले ही हार्ड शिफ्ट में आप स्कोर कम कर पाओ, लेकिन अगर आपकी हार्ड शिफ्ट है तो उससे कहीं ना कहीं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है सीजीएल 2024 की, जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो ये वाली शिफ्ट रही है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो 102 रहा है, मतलब इस शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 102 रहा है। यानी कि यहाँ पे एस्पिरेंट ने एवरेज का मतलब ऐसा नहीं कि सभी ने 102 स्कोर किया होगा, किसी ने 110 किया होगा, 115 किया होगा, किसी ने 90 कर पाया होगा, यानी कि जो मोटा मोटी एवरेज है इस शिफ्ट का वो 102 है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो सबसे इजी शिफ्ट रही है उसका मैं एवरेज स्कोर आपको दिखा देता हूँ। जो सबसे इजी शिफ्ट रही है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आप देख सकते हैं, उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना रहा है आप देख सकते हैं, 122.12, ठीक है। इसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 122 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट, जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट और जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 नंबर का है। तो नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है, जो जितनी भी शिफ्ट में आपका ओवरऑल एग्ज़ाम होता है उनमें जो शिफ्ट जिसके मार्क्स मैक्सिमम होते हैं उसको बेस बना जाता है और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसके बराबर ला जाते हैं। जैसे कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर कितना है, 102, तो 102 को 122 बनाने के लिए 20 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इस शिफ्ट के एस्पिरेंट को 20 नंबर या उससे ज़्यादा का भी नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल सकता है। यानी कि जिस बच्चे ने इस शिफ्ट में 110 स्कोर किया होगा उसका 20 नंबर ऐड करके 130 स्कोर हो गया होगा, जबकि इस शिफ्ट में जिस बच्चे ने 130 स्कोर किया होगा तो हो सकता है उसका 129, क्योंकि यहां पे डिक्रीज भी होता है, 129 या 130 ही रहे। तो आप खुद समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पेपर को अगर आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको जो है धैर्य रख के पेपर को अटेम्प्ट करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है और उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ेगा आपके ओवरऑल स्कोर पे। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिन बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, सबसे पहले ये है कि आपको ये जानना है कि कौन सी शिफ्ट, अब ये कैसे पता करोगे कि आपकी शिफ्ट इजी है या हार्ड। देखो अगर आपने प्रिपरेशन की है एक अच्छे लेवल पे, अगर आपकी प्रिपरेशन है तो पेपर को देख के आपको समझ में आ जाता है कि पेपर जो है वो मतलब इजी है या हार्ड है, क्योंकि अगर क्वेश्चन इजीली मतलब नॉर्मल आ रहे हैं आप इजीली उन्हें सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि पेपर जो है वो उसका लेवल सही है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊट पटांग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको खुद देख के समझ में आ जाता है कि पेपर यार ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी एक गलती और स्टूडेंट कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि जो सेशन वन है उसमें हम सिर्फ रीजनिंग को कर लेंगे या मैथ्स को कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई मैं आप सभी को एडवाइस देता हूँ, जो सेशन वन और सेशन टू, जो आपका सिलेक्शन होगा वो सेशन टू के बेस पे होगा, लेकिन एक जब टाई केसेस होगा तो उसमें सेशन वन की भी इंपॉर्टेंस होगी। तो सेशन वन में जो मैथ और रीजनिंग है इसमें अपना मैक्सिमम आपको आउटपुट देना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन आते हैं उनको आप अटेम्प्ट करिए, ऐसा नहीं करना आपको कि कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको छोड़ देना, आपको सारे जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कैसे आप पहचानोगे, आपको पेपर को देख के लग जाएगा कि पेपर जो है वो सही है या हार्ड है आपका, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि चूंकि आपका जो सेशन टू है जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा उसमें इंग्लिश है और जीके जीएस है। इसमें क्या है जैसे कि मैथ्स में अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो, तुक्का लगाते हो, थोड़ा सोच के लगाते हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन सही जाने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे क्या है, मामला 50-50 का रहता है क्योंकि आप उतना श्योर नहीं रह सकते हो कि ये क्वेश्चन सही होगा ही होगा। तो अगर रिस्क ले रहे हो तो रिस्क लो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लो, 2-4 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है उस पर रिस्क ले रहते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा अगर क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, पेपर आपका हार्ड है, तो जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। वो आपको जब अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो नॉमिनेशन का बेनिफिट ऐड होकर और ज़्यादा नंबर आपके बढ़ जाएंगे। बाकी सीजीएल में तो 20 नंबर तक का बेनिफिट मिल रहा है, आपका जो एग्ज़ाम है वो और ज़्यादा शिफ्ट में है, तो आपको और ज़्यादा नॉमिनेशन का बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो नॉमिनेशन एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो अगर पेपर ठीक ठाक आ रहा है तो ये मतलब ये कसम खा के मत जाओ कि मुझे पूरा पेपर जो सेशन टू है जितने क्वेश्चन है वो सारे करने, ऐसा नहीं करना है। जो हो रहे हैं वो करो, बाकी कुछ में कैलकुलेटिव आप रिस्क जो है वो ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जितना आप फोकस कर सकते हो वो एक्यूरेसी पे करो, एक्यूरेसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा सही करोगे वो कहीं ना कहीं आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। तो जिन भी बच्चों का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है वो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा और आपको क्या करना है, जैसे एनालिसिस तो एसएससी ने नोटिस डाल दिया कि एनालिसिस नहीं करना है, फिर भी ढेर सारे जो टीचर हैं वो करा रहे हैं, आपको जीके जीएस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको आप देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा। बाकी मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे जैसे कि टेस्ट बुक है, इस पे जो प्रीवियस जो पेपर हो जाते हैं वो अपलोड कर देते हैं ये, ठीक है, पेपर के फॉर्म में, तो वहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट भी देते रहिए। बाकी जो क्वेश्चन जिस तरीके के ट्रेंड मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरीके के पैटर्न को देखिए, समझिए, और उसके जैसे जो क्वेश्चन है मतलब उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन है जहाँ जहाँ से बन सकते हैं उनको भी आप कवर करके जाइए। इससे क्या है कि आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। बाकी दिमाग में जब पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तो इस टेंशन को दिमाग में मतलब नहीं रखना है कि यार इतने ज़्यादा एस्पिरेंट हैं, ठीक है, इतना कंपटीशन है, ठीक है, इतने नंबर पे कट ऑफ जाती है, इन सब चीज़ों को अभी मत सोचिए। अभी सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे अपना मैक्सिमम देना है, मुझे अपने मैक्सिमम आउटपुट देना है। अब जितना नंबर आएगा वो एक अलग की बात है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को दस शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।